हेलो फ्रेंड्स, आपका ममता जी या क्रिएटिविटी चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी, डिज़ाइनर नेक डिज़ाइन कुर्ती में सूट में आप इन डिज़ाइन के नेक बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। मैंने कुछ डिज़ाइनर नेक बनाए हुए हैं कुर्तियों में, तो मैं आपको आइडिया दूंगी और भी कई नेक के आइडिया दूंगी, तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपसे 50 से भी ज़्यादा कुर्तियों के लेटेस्ट डिज़ाइन के नेक शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए, इस तरह से अगर आपके बॉटम में कोई कपड़ा बचा है तो उससे आप नेक पर डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने बटन लगाई हुई है। मेरी कुर्ती का जो कलर है उसी से मिलती जुलती मैंने बटन और लूप लगाया हुआ है, तो इस तरह का नेक भी आप बना सकते हैं। इसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने पोटली बटन से नेक को डिज़ाइन दी हुई है। ये है तो राउंड नेक, पर इसमें पोटली बटन लगाने से इस कुर्ती का पूरा लुक ही चेंज हो गया है, तो आप इस तरह से ज़रूर बना सकते हैं। इसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये हार्ट शेप मैंने नेक बनाया हुआ है। नेक में जो डिज़ाइन हार्ट शेप की है वही मैंने स्लीव में रखी हुई है, तो इसकी वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल नेक लगता है। ये देखिए, इस तरह से कॉलर विद फ्रिल वाला वी नेक वाला मैंने नेक बनाया हुआ है। जो मैंने नेक पे डिज़ाइन रखी है वही मैंने स्लीव में रखी हुई है, तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं। इसकी फुल वीडियो भी मेरे चैनल पर है कटिंग स्टिचिंग की, तो आप देख सकते हैं अगर आपको इस तरह का नेक बनाना है तो। ये देखिए, ये भी मैंने फ्रिल कॉलर वाला नेक बनाया हुआ है। जो डिज़ाइन मैंने नेक पर दी है वही मैंने स्लीव पर दी है। इस तरह का नेक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इसमें मैंने फ्रंट पे डोरी भी लगाई हुई है। डोरी लगाने से इसका लुक और भी ज़्यादा बढ़ गया है। मैंने रेडीमेड डोरी लगाई हुई है इसमें। ये देखिए, ये मैंने सिंपल राउंड नेक बनाया हुआ है, पर बटन लगाने से इसका लुक बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये राउंड नेक की कुर्ती बनाई है। इसमें ये हार्ट शेप का मैंने कपड़ा लगाया हुआ है बॉर्डर, इससे इस कुर्ती का लुक बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी कटिंग स्टिचिंग भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। ये देखिए, इस तरह से ये मैंने नेक बनाया हुआ है। इसमें मैंने पतली लेस लगाई है जिससे इस कुर्ती का लुक बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और ये देखिए, एक और मैंने ये कुर्ती बनाई है, इसमें ये नेक बनाया हुआ है लूप लगाकर और बटन लगाकर, तो इस डिज़ाइन का नेक भी आप बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है और ये ज़्यादा फैला हुआ भी नहीं रहता इस तरह का नेक। बटन लगाने से फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। बटन आप फैब्रिक का बटन भी लगा सकते हैं या फिर मार्केट से परचेस करके लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर कपड़े का ही बटन बनाकर लगाया हुआ है। बटन की वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये देखिए, है तो ये सिंपल राउंड नेक, पर इसमें मैंने कुर्ती से मैच करता हुआ पिंक कलर का बॉर्डर नेक पर लगाया हुआ है और उस पर मैंने ये छोटे छोटे मोती बीड्स लगाए हुए हैं। इससे इस कुर्ती के नेक का लुक बहुत ही बढ़ गया है और ओवरऑल कुर्ती भी बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगने लगी है। इसकी फुल वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह का मैंने ये नेक बनाया हुआ है, इस पर मैंने बॉर्डर लगाई हुई है और इस कुर्ती को ऑफ शोल्डर भी पहन सकते हैं और विदाउट ऑफ शोल्डर भी पहन सकते हैं। इस तरह का नेक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। मेरे चैनल पर इस कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग भी आप देख सकते हैं। ये मैंने ब्लाउज पीस के दो टुकड़ों से बनाई हुई है। इस कुर्ती में मैंने लाइनिंग का यूज़ नहीं किया है तो भी ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक दे रही है, तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए, ये एक सिंपल कुर्ती थी, इसमें बचे हुए कपड़ों के छोटे टुकड़ों से पैच लगाकर मैंने ये नेक बनाया हुआ है। इसमें भी मैंने एक रेडीमेड बटन का यूज़ किया हुआ है, सो बटन का, और उसमें मैंने लूप लगाया हुआ है। बहुत ही अच्छी लग रही है ये कुर्ती, तो इसकी वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये सिंपल प्लेन कुर्ती थी, इसमें मैंने पैच लगाया हुआ है और लेस का यूज़ भी किया हुआ है। और ये मैंने एक लॉन्ग गाउन बनाया हुआ है, वन पीस ड्रेस, इसमें डिज़ाइनर स्लीव बनाई हुई है और इस तरह से ये राउंड नेक बनाकर इसमें मैंने कंगूरे ट्रायंगल पीस लगाए हुए हैं। इससे इस कुर्ती का लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इस कुर्ती के नेक को मैंने बहुत ही आसानी से बनाना बताया हुआ है, तो आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं।
और आगे मैं आपको कुछ नेक के आइडिया देने वाली हूँ जो कि बहुत ही ट्रेंडी और स्टाइलिश नेक हैं और बनाने में भी इजी हैं, तो आप इन डिज़ाइन के नेक ज़रूर बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप बटन्स लगा सकते हैं या पोटली बटन्स लगा के लूप दे सकते हैं कुर्ती में, और ये देखिए इस तरह की कॉलर भी आप बना के राउंड पैच लगा सकते हैं कुर्ती के नेक पर, और इस तरह का नेक भी बना सकते हैं, पतली पतली गोटा लेस का यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह का वी नेक बनाकर आप अंदर से कपड़ा अटैच कर सकते हैं कॉन्ट्रास्ट कलर का। ये देखिए इस तरह का नेक बनाकर आप पोटली बटन लगा सकते हैं कॉटन की कुर्ती में। ये देखिए इस तरह का नेक भी आप बना सकते हैं, इसमें ट्रायंगल डिज़ाइन है बीच में, और ये देखिए अंदर से आप दूसरा कपड़ा लगाकर और इस तरह का नेक आप बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से भी आप नेक बना सकते हैं, पोटली बटन का यूज़ कर सकते हैं, और देखिए इस तरह का नेक भी बहुत ही स्टाइलिश लगेगा, बॉर्डर लगाकर आप बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से अगर आपकी कुर्ती के नेक पर कुछ एम्ब्रॉयडरी है तो उससे इस तरह का नेक आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर कुर्ती डिज़ाइन, सूट डिज़ाइन, ड्रेस डिज़ाइन और डिज़ाइनर कुर्ती कटिंग स्टिचिंग की कई सारी वीडियोज़ हैं और प्लेलिस्ट भी हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आई होप कि आपके लिए पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है और नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर डेली सुबह 8 बजे न्यू वीडियो आती है इन्हीं किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप डेली भी मेरी वीडियोस को देख सकते हो। फ्रेंड्स, आपको जो भी डिज़ाइन नेक की पसंद आए आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने टेलर को बताकर आप सिलवा सकते हो, या फिर आपको खुद ही कटिंग और स्टिचिंग आती है तो आप मेरी वीडियो से आइडिया लेकर आप खुद भी घर पर आसानी से सिल सकते हो। और इन सारे नेक को बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, और अगर आपको कोई इनमें से नेक पसंद आ रहा है और उसकी नेक की बनाने की वीडियो, कटिंग स्टिचिंग की वीडियो अगर आपको देखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए आइडिया दे दूंगी या फिर अलग से आपके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ये देखिए इस तरह से कॉलर विद बटन आप नेक बना सकते हैं, और देखिए इस तरह का बंद नेक भी आप बना सकते हो। और इस तरह से अगर फ्रंट पे आप बॉर्डर लगा रहे हैं कपड़े की तो इस तरह का नेक अच्छा लगेगा, और शरारा सूट के साथ में आप इस तरह का नेक बनवा सकते हैं, या फिर आप इस तरह का नेक बना सकते हैं और बटन से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं कुर्ती में। ये देखिए इस कुर्ती में हाफ कॉलर लगाई गई है और नीचे बटन की डिटेलिंग की हुई है। ये देखिए सिंपल राउंड नेक है, पर लेस लगाने से इसका लुक बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। शरारा सूट में आप इस तरह का नेक बना सकते हैं, और ये देखिए फ्रंट पे अगर स्लिट है कुर्ती में तो बॉर्डर लगाकर इस तरह का नेक बनाया जा सकता है। ये देखिए इस तरह की कॉलर वाला नेक भी आप बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक देता है। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं जो भी ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ, कुर्ती डिज़ाइन करती हूँ, तो उससे रिलेटेड इमेजेस, वीडियो या फिर रील वहाँ पर मैं अपलोड करती हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझसे जुड़ जाइए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, या फिर आपको कोई रिक्वेस्टेड वीडियो बनवाना है, तो भी आप वहाँ पर मुझे मैसेज या DM कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए ट्राई करूँगी। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से फ्रंट पे बॉर्डर लगाकर इस तरह का वी नेक, डीप वी नेक बनाया गया है, और इस तरह से आप कट दे सकते हैं नेक पर राउंड नेक बनाकर। और आप चाहें तो बंद गला चाहते हैं पहनना, तो आप इस तरह का हाई नेक बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से लेस लगाकर भी आप शरारा सूट की कुर्ती का नेक बना सकते हैं, और इस तरह से भी आप बना सकते हैं कॉलर वाली ए लाइन कुर्ती। और आप लॉन्ग स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हैं तो उसमें इस तरह का नेक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, और इस तरह की कॉलर वाला नेक बनाकर आप बटन से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से राउंड नेक बनाकर आप कुर्ती पर बटन्स लगा सकते हैं इस तरह से। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें,
क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी और यूज़फुल लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन से वाले नेक की डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद आई है।